डिफरेंस बिटवीन आटा एंड मैदा, जिसे हम वीट फ्लोर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल जो चक्की होती है उसी में पीसी जाती है गेहूं से। गेहूं, जर्म, एंडोस्पर्म और ब्रेन का कॉम्बिनेशन होता है। आटे में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैदा, जिसे हम रिफाइंड फ्लोर के नाम से जानते हैं, जो कि हाईली प्रोसेस्ड होके बनता है, सिर्फ और सिर्फ जो एंडोस्पर्म होता है गेहूं के अंदर उसी का यूज़ करके मैदे को बनाया जाता है। इसीलिए मैदा बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि मैदे को बनाते समय बिल्कुल भी जर्म और ब्रेन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसीलिए उसमें फाइबर, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है और आटा हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए आपको आटे का यूज़ करना चाहिए, मैदे का यूज़ आप कम से कम करें या ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है।